लाइव हैं तस्वीरें, और कल जैसे कि आपको दिखाया गया था कि एक राइस मिल है, क्या नाम है, बीजी ओवरसीज, और यहाँ जो चावल के कट्टे हैं वो पकड़े गए थे। अभी ये देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ाती है। अभी उस दरवाजे के ऊपर जो है लॉक लगाया गया है और मालिकों के खिलाफ जो है मुकदमा भी जो है दर्ज किया गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद अभी जैसे एसपी साहब पहुंचे हैं, थाना एसएचओ प्रभारी बलजीत सिंह पहुंचे हैं, तो क्या पूरा मामला है, क्या पिक्चरें जो सामने निकल कर के आती हैं, पुलिस की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और इस गोदाम में काफ़ी जो माल है वो रखा है, और जो जीरी है, जीरी से अलग जो चावल है उसके चावल के जो कट्टे हैं वो यहाँ यूपी बिजनौर के बताए जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन अलचल हरियाणा के साथ। और पूरा क्या मामला है, जी हाँ, पूरा क्या मामला है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। इस समय पुलिस की पूरी टुकड़ी जो है यहाँ पहुँची हुई है, बने रहिएगा और जो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह है वो गोदाम, और यहाँ चारों तरफ आपको कारीगर नज़र आते होंगे, लेकिन इस गोदाम के अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड में इस गोदाम के अंदर जो है राइस के जो कट्टे हैं वो मिले हैं, और किस प्रकार से धान के जो कट्टे हैं उनके नीचे उनको जो है छिपा करके रखा गया था। एसपी साहब मौके पर मौजूद हैं, बलजीत सिंह थाना प्रभारी एसएचओ मौके पर मौजूद हैं। पूरी क्या प्रकरण है उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ की जाएगी। बने रहें और जुड़ रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। इस समय पुलिस अपनी जो कैमरे हैं, कैमरों की जो छानबीन है वो करती हुई कि कैमरे लगे हुए हैं, और पूरा यहाँ देखा जाएगा कि कब यहाँ चावल आया है, किस तरीके से यहाँ आया, अभी खोल के देखते हुए। लाइट जलाना, दो दो तीन तीन ऊपर है, दो दो तीन तीन सभी की है। चल गया, इसमें पूरे अंदर अंदर वालों के बारे में इसमें काउंटिंग नहीं हुई सर, लेकिन डाउट के आधार पे करिए। सर क्या पूरा मामला है और क्या सूचना मिली थी, किस तरीके से कार्रवाई की गई है? ये कार्रवाई जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है उनकी तरफ से की गई है, और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। अब इसकी पुलिस आगे जांच करेगी, और इसी बात की जांच की जाएगी कि इसमें जो है सरकार के साथ क्या धोखा कर रखा है, और वो पाया जाएगा तो जिन्होंने धोखा कर रखा है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी उन्होंने जो है किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करवाया है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि जो यहाँ कट्टे हैं उसमें कुछ यूपी के कट्टे मिले हैं, तो उसी हाँ तो उसमें जाँच की जाएगी, वो कौन लेके आया है, किसकी मिली भगत है, जाँच की जाएगी।
तो इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ से जाती हुई, और जो चावल है वो कहाँ से आया है, किस तरीके से 620C का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ बनता है, और FIR जो है दर्ज की गई है। तो लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ।